हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है यश तिवारी और आप देख रहे हैं कोड टू हैक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जा रहे हैं बनाने एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एंड्रॉयड यूआई। तो सबसे पहले मैंने उसको इनविजन स्टूडियो में डिज़ाइन किया है, तो उसको सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम उसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर अब वो जो हम आज यूआई बनाएंगे उसका डिज़ाइन आ जाएगा। उसको पहले हम देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि आगे हम क्या क्या करने वाले हैं, तो वो यूआई बन जाएगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे तो वो यूआई जो है वो यहाँ पर आ चुकी है आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्ड्स बने हुए हैं और नीचे दो बटन्स हैं। तो यहाँ पर हम लीनियर लेआउट और स्क्रॉल व्यू का यूज करेंगे, हॉरिजेंटल स्क्रॉल व्यू। तो यहाँ पर ये कार्ड्स स्लाइड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने स्लाइड किया और कार्ड टू आ गया, यहाँ पर कार्ड थ्री आ गया। तो कुछ इस प्रकार की यूआई हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो यहाँ पर आपको कुछ एसेट्स की ज़रूरत होगी, ये देख पा रहे होंगे आप, जिसमें चार इमेजेस हैं, पीएनजी इमेजेस, और एक जो है वो एरियल एम्प्टी बोल्ड फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली है बेसिकली, इसकी आपको ज़रूरत होगी। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कीजिए और वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए। नए प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 4 दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप कुछ भी दें। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के स्क्रीन को। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे ग्रेडल के जस्ट बगल में, तो आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उसमें में से हम सेकंड वाला चूज करेंगे, जिससे कि हमें डिज़ाइन और कोड एक साथ दोनों दिख सके। इसको यहाँ पर साइड में करते हैं। तो हम अपने रिसोर्सेस में एक और जो है नई डायरेक्टरी बनाएंगे, या आप अपने प्रोजेक्ट्स में जाकर फाइल मैनेजर में वहाँ पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं, जो कि हमारी फॉन्ट्स का जो रहेगा उसमें हम अपने फॉन्ट्स रखेंगे। तो यहाँ पर आप जब नई डायरेक्टरी बनाएं तो यहाँ पर रिसोर्स टाइप में फॉन्ट्स सेलेक्ट करके और यहाँ पर ओके कर दें। तो यहाँ पर हम फॉन्ट्स बन चुके हैं, तो अपने फॉन्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर फॉन्ट्स में पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये नाम पूछेगा कि नाम आप सेम रखना चाहते हैं कि नाम बदलना चाहते हैं, तो हम नाम सेम रखेंगे। और फिर यहाँ से ये जो ड्रॉएबल है, मतलब चार इमेजेस हैं, इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम अपने ड्रॉएबल में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया सेम नेम से, और यहाँ पर इसके जो व्यू है, इस व्यू में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पर शो लेआउट डेकोरेशन करेंगे, जिससे कि हमें ऊपर का जो एक्शन बार है वो दिख सके, और उसको हम रिमूव करने जा रहे हैं। तो ये जो एक्शन बार है, यहाँ पर वैल्यूज में जाएंगे स्टाइल डॉट एक्सएमएल में, तो यहाँ पर डार्क एक्शन बार को नो एक्शन बार में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमने नो एक्शन बार यहाँ पर कर दिया है। अब तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो एक्शन बार था उसको हटा दिया है, तो अब हम यहाँ पर ये जो टेक्स्ट व्यू है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर हम एक लीनियर लेआउट बनाएंगे।
जिसकी जो विथ होगी वो मैच पैरेंट होगी, मतलब जितना डिवाइस का विथ है उतना वो ले लेगा, और हाइट टू रैप कंटेंट। फिर हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट और बनाएंगे, जिसकी जो विथ होगी वो फिर से मैच पेरेंट होगी और हाइट रैप कॉन्टेंट। इसमें जो हम पहले लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन सेट करेंगे वो वर्टिकल होगा, और जो दूसरा लेआउट है उसमें कोई ओरिएंटेशन अभी हम सेट नहीं करने वाले हैं। इसमें हम एक स्क्रॉल व्यू बनाएंगे, हॉरिजेंटल स्क्रॉल व्यू, जिसकी जो विथ होगी वो होगी मैच पैरेंट, नहीं जिसकी विथ होगी रैप कंटेंट और हाइट भी होगी रैप कंटेंट। यहाँ पर विथ को हम मैच पैरेंट ही कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो अब हम इस स्क्रॉल व्यू के अंदर एक ऑल लीनियर लेआउट बनाएंगे जिसकी विथ होगी मैच पैरेंट एंड हाइट होगी रैप कंटेंट। इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर एक बैकग्राउंड लगा देते हैं। सो यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड पहले से ही बना रखा था, जो यहाँ पर bg.png नाम से हमने ड्राइवर में अपने सेव किया था। तो अब लीनियर लेआउट में आते हैं अपने, और यहाँ पर हमने हॉरिजेंटल बना दिए हैं लीनियर लेआउट्स। तो यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट बनाएंगे जिसकी हाइट एंड विड्थ रैप कंटेंट होगी, और इसमें जो है ओरिएंटेशन होगा वो होगा वर्टिकल। तो ये बेसिकली अब हम कार्ड बना रहे हैं, इसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा कार्ड bg। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड सक्सेसफुली आ गया है। तो यहाँ पर अब हम टैक्स लेने वाले हैं, टैक्स भी रैप कंटेंट, एंड इसमें हम टैक्स डालेंगे टू द कार्ड वन। फॉन्ट फैमिली देंगे, कलर देंगे, फॉन्ट फैमिली हमने फॉन्ट्स में डाल रखा था वही फॉन्ट फैमिली देंगे। तो कलर यहाँ पर व्हाइट रहेगा। टैक्स साइज देते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ 35 SP देंगे, और थोड़ा इसको हम भी बड़ा कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं या फिर हम 45 कर सकते हैं। यस, ये 45 काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा देंगे पैडिंग लेफ्ट 10 SP, थोड़ा और बढ़ाते हैं 20 SP, और ये काफी सही लग रहा है। इसकी विथ को जो जो हमने टैक्स भी बनाया है, इसका जो विथ है इसको हम कर देते हैं 60 SP और मे बी 120 SP, जिससे कि जो दा है उसके नीचे कार्ड वन लिख कर आए। तो उसको ऐसा करने के लिए हम कुछ इसके विथ में चेंज करते हैं, तो ये अब काफी सही लग रहा है। यहाँ पर पैडिंग टॉप भी दे देते हैं,
50 SP। तो ये आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर एक और हम टैक्स भी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्स रहेगा वो हम अपने यहाँ से ले लेते हैं, इनविजन स्टूडियो में जो हमने डिजाइन किया था, तो जो टैक्स हमने लिखा हुआ था वही टैक्स हम लेकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम टैक्स लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ये टैक्स है डिस्क्रिप्शन का, फिलहाल हम उसी को कॉपी करेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। तो हमने पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर इसकी जो विथ है वो मैच पेरेंट करते हैं। या तो इसको 200 SP कर देते हैं। और यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है वो कर देते हैं 15 SP। कर देते हैं। और यहाँ पर हमने पूरा जो है डिस्क्रिप्शन वो कॉपी नहीं किया है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं। और यहाँ पर पेस्ट करते हैं लाइक दिस। तो आप देख पा रहे होंगे ये बन चुका है। इसके फॉन्ट फैमिली को हम 18 करते हैं और देखते हैं, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। विड्थ को थोड़ा हम बढ़ाते हैं और ये 240 SP बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें थोड़ा सा हम मार्जिन टॉप ऐड करते हैं जिससे कि दोनों टेक्स्ट के बीच में कुछ जगह रहे। कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हम इस टेक्स्ट को फिर से कॉपी करेंगे और इसके नीचे पेस्ट करेंगे। और यहां पर जो टैक्स है इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, डॉलर करेंगे और यहाँ पर $10 डालेंगे और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है इसको बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। इसमें भी हम मार्जिन टॉप ऐड करेंगे जो कि 30 SP है। और यहाँ पर इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम करेंगे तो 35 कर देते हैं और ये काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये तो हमारा बन चुका है। तो ये जो पूरा एक कार्ड है इसको हम 3 बार बेसिकली कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। सो जो ये कार्ड है इसको हम 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये लीनियर लेआउट से हम कॉपी करना शुरू करते हैं और ये पूरा लीनियर लेआउट हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 3 कार्ड्स हमारे पास बन गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पैडिंग लेफ्ट और जो तीनों कार्ड को कंटेन कर रहा है जो लीनियर लेआउट उसमें थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट देंगे। तो 30 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट 30 पिक्सल। ओ सॉरी, यहाँ पर मैं पिक्सल नहीं यूज करूँगा,
एसपी यूज करूंगा। तो यहाँ पर ये हो चुका। और जो ये कार्ड्स हैं इनके बीच में फाइनली हमारा मार्जिन रहेगा, मार्जिन लेफ्ट रहेगा 30 SP। मार्जिन लेफ्ट 30 SP। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कार्ड्स काफी अच्छे से बन गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको मार्जिन टॉप लेने की जरूरत है। तो मार्जिन टॉप हम फिलहाल लेने वाले हैं जिस लीनियर लेआउट में स्क्रॉल व्यू है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल व्यू, वहां पर हम जाकर मार्जिन लेंगे, मार्जिन टॉप। और ये होगा 30 SP। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने स्क्रॉल व्यू जो हमने बनाया था उसके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमको बटन को स्क्रॉल नहीं करवाना है। बेसिकली हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक नया लीनियर लेआउट बनाते हैं जिसकी जो विड्थ है वो है मैच पैरेंट और हाइट है रैप कंटेंट। और जो इसका ओरिएंटेशन है वह है वर्टिकल। और इसमें हम पैडिंग देंगे, पैडिंग बेसिकली 20 SP है। और इसके अंदर हम अब दो बटन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बटन हमने बनाया जिसकी विड्थ देंगे वो मैच पैरेंट देंगे, हाइट वो है कंटेंट देंगे, कुछ इस तरीके से। और इसमें हम बैकग्राउंड लगाएंगे। तो हमारा बैकग्राउंड जो रहेगा वो रहेगा BTN लाइट। और इसमें हम टैक्स डालेंगे, तो टैक्स रहेगा नेक्स्ट कार्ड फॉन्ट फैमिली। तो हम यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या है कि इसको हम जो ये लीनियर लेआउट नया हमने अभी क्रिएट किया था इसको थोड़ा सा और बाहर लेकर आते हैं इस वाले लीनियर लेआउट में। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बटन आ गया है सक्सेसफुली। कलर यहाँ पर देते हैं वाइट जो टेक्स्ट कलर है। फॉन्ट साइज देते हैं टेक्स्ट साइज। बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करते हैं। यस, अब ये ठीक लग रहा है। और अब हम यहाँ पर इसी बटन को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो लास्ट वाला बटन है उसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप ऐड करेंगे 15 SP एंड मार्जिन बॉटम 15 SP। और यहाँ पर ये जो BTN लाइट है जिसका बैकग्राउंड उसको BTN डार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बटन है वो स्क्रीन के नीचे चला गया है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि हम इसको एक स्क्रॉल व्यू के अंदर कर देते हैं। तो हम बेसिकली अपने बटन्स को भी स्क्रॉल कर पाएंगे
विथ है इसकी मैच पैरेंट एंड हाइट है रैप कंटेंट, तो कुछ इस तरीके से। और इसको यहाँ से एक्स करते हैं, और ये बटन्स के लीनियर लेआउट के बाद में इसको स्क्रॉल व्यू बंद करते हैं। तो अब हमारा लीनियर लेआउट कुछ इस तरीके से हो गया है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें हम छोटे छोटे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर जो सेकंड कार्ड रहेगा उसका जो नेम रहेगा वो रहेगा कार्ड सेकंड, और ये सब चेंज करने के बाद हम इसको रन कराएंगे। तो इसको हम रन कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी हमने आज प्रोग्रामिंग की वो सारा जो एसेट्स है या प्रोग्रामिंग है या कोड है वो आप हमारी साइट पे पा जाएंगे, code2hack.ga पर जाएंगे। तो वहाँ पर आप साइन इन करेंगे, फिर वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाइएगा और वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।